आप सभी विद्यार्थियों का आज के ई लेक्चर में स्वागत है। मैं अनुराग व्यास, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कोटा से। आपको मैं आज लेटेस्ट मीडिया ट्रेंड नाम का एक टॉपिक है हमारे मीडिया प्लानिंग के अंदर, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि लेटेस्ट मीडिया ट्रेंड्स क्या हैं। ऐसे आधुनिक माध्यम जो अभी बहुत सारे बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, निर्माता यूज कर रहे हैं अपने विज्ञापन के लिए प्लेटफॉर्म के तरह, और उस पर विज्ञापन करते हैं, वो लेटेस्ट मीडिया ट्रेंड्स क्या हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बहुत फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रचलन में आए हैं, तो उन कुछ मीडिया माध्यमों का हम अध्ययन करेंगे, मीडिया ट्रेंड्स का हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है वो मीडियम पिछले कुछ वर्षों में, वो है डिजिटल मीडिया। और डिजिटल मीडियम जैसे कि आप सभी परिचित हैं, जो लोग भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, ऑनलाइन शब्द आजकल एक बहुत कॉमन है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सभी लोग ऑनलाइन मीडियम को समझते हैं और ऑनलाइन मीडियम का उपयोग भी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी भी करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजों से जुड़े भी रहते हैं। तो डिजिटल मीडियम के अंतर्गत ही ऑनलाइन आता है, और ऑनलाइन के अंदर जो प्रमुख अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले वेबसाइट्स को लेते हैं कि अगर सबसे पहले डिजिटल मीडियम हम लाते हैं तो वेबसाइट्स हैं। अब वेबसाइट्स के अंदर क्या है, वेबसाइट्स के अंदर कई बार जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या आप वेबसाइट को देखते हैं तो कुछ आप इसमें विज्ञापन भी देखते हैं, कुछ डिस्प्ले एड्स वेबसाइट्स में आते हैं। वो डिस्प्ले एड्स जो होते हैं वो उसमें कुछ इमेज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ वीडियो के फॉर्म में भी हो सकते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। कई बार उसका प्रेजेंटेशन सिर्फ इमेज की तरह होता है, कई बार सिर्फ टेक्स्ट होता है उसके अंदर, कई बार उसके अंदर वीडियो भी होता है, कई बार कुछ पॉपअप्स भी जो है उसके अंदर हमको शो होते हैं। तो ये सब सारे जो डिस्प्ले चीजें होती हैं वेबसाइट के सर्चिंग के दौरान, वेबसाइट्स देखने के दौरान, तो वो एक अच्छा माध्यम है, एक नया माध्यम है, कुछ सालों से प्रचलित है वेबसाइट्स के थ्रू विज्ञापन करना और वेबसाइट्स के सर्चिंग। अब हम जो दूसरी प्रमुख चीज है वो है सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन भी बहुत प्रचलित है और एक तरीके से एक सेक्शन बन गया है, एक विषय बन गया है, एक टॉपिक बन गया है बहुत बड़ा, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग या हम सर्च इंजन मार्केटिंग कह लें। आज के समय में सर्च इंजन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वो बिंदु है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सर्च इंजन जैसे हम गूगल यूज करते हैं, बिंग यूज करते हैं, ये सब सर्च इंजन हैं। तो जब हम सर्च इंजन यूज करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए जब कर रहे हैं और कोई चीज सर्च कर रहे हैं, वर्ड डाल के आप सर्च करते हैं, तो सर्च करने के साथ ही एकदम टॉप के अंदर, ऊपर के अंदर कई बार आपको कुछ उसमें रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, कुछ परिणाम दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, जिनमें स्लाइटली लिखा रहता है छोटा सा ऐड, तो ऊपर की तरफ कई बार लिखा रहता है वो उसमें ऐड करके, तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके से आपका सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट है, जो आपको आपके जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ उसमें विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, तो वो लगता ऐसा है कि कोई विज्ञापन के रूप में नहीं, लेकिन छोटा सा उसमें नीचे सर्च में परिणाम में जो रिजल्ट्स आते हैं, सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स आते हैं, सर्च इंजन के रिजल्ट्स में ही वहां पे एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में आपको लिखा रहता है। तो ये सर्च इंजन वो है, आजकल ये बहुत है सर्च इंजन, कई जगह पढ़ाया भी जाता है सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो सोशल मीडिया की बात करते हैं। देखिए सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया जैसे नाम से जानते हैं, आज कौन नहीं जो सोशल मीडिया से परिचित नहीं है। अब बहुत सारे लोग, अधिकांशतः लोग, बहुत बड़ा प्रतिशत सोशल मीडिया यूज कर रहा है। सोशल मीडिया हम फेसबुक ले सकते हैं, ट्विटर ले सकते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विज्ञापनों के लिए। यूट्यूब में आप देखते हैं कई बार आपने कोई वीडियो, आपको वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियो के प्रारंभ में आपको कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और फिर उसमें स्किप ऐड करके भी आपको एक कमांड आता है, आप चाहें तो उसको देखें, आप चाहें तो कुछ सेकंड से बाद उसको न देखें सीधे अपने वीडियो को भी देख सकते हैं, कई बार सेंटर ऑफ द वीडियो भी आता है। तो इस तरीके से यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया एक आज के आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा, लोगों को अपने विज्ञापन करने का, अपने संदेश देने का, अपने मैसेज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अब हम बात करते हैं मोबाइल एप्स एवं मैसेज में। देखिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने मोबाइल एप्स क्रिएट करती हैं, कंपनीज अपने मोबाइल एप्स क्रिएट करती हैं, बहुत सारे निर्माता अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो प्रोडक्ट को निर्मित करते हैं वो अपने एप्स क्रिएट करते हैं ताकि लोग उस एप्स के माध्यम भी अपने निर्माता तक, उस प्रोडक्ट तक पहुंचे, और एप्स को का भी प्रचार करते हैं कि आप एप्स डाउनलोड करिए और एप्स के थ्रू भी आप उन लोगों तक पहुंचते हैं।
तो एप्स भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक बहुत आधुनिक माध्यम है, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है अपने बात को विज्ञापन करने का, अपने प्रोडक्ट के मैसेज को देने का, अपने प्रोडक्ट के बारे में उपभोक्ताओं को बताना, संभावित उपभोक्ताओं को बताने के लिए। और उसी के अंतर्गत SMS भी आता है। SMS भी आप देखते हैं कि कई बार आपको SMS मिलते हैं, आप चाहें ना चाहें वो सब सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं कि कई बार SMS के थ्रू भी कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट्स को लोगों तक पहुंचाती है। अब उसी कड़ी में हम बात करते हैं आगे नेटिव एडवर्टाइजिंग की। देखिए, बड़ा अच्छा शब्द है नेटिव शब्द। नेटिव एडवर्टाइजिंग शब्द बिल्कुल नया है। नेटिव शब्द के अंदर आप नेटिव शब्द का मतलब है, ये एक प्रकार का ऐसा जो विज्ञापन का तरीका है जो परंपरागत नहीं है, जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से अपनी बात नहीं कहता है, बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में अपनी बात को कहता है। बात को मतलब विज्ञापन को प्रदर्शित करता है। विज्ञापन वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल अब उसके अंदर कैसे अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे करता है कि मान लीजिए कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ गई आपको, या आप कोई कई बार वेबसाइट्स के ऊपर कोई आर्टिकल्स देते हैं या न्यूज पेपर के अंदर आर्टिकल्स देते हैं जो पेड आर्टिकल्स होते हैं, और कई बार आप देखिए न्यूज की तरह लगते हैं लेकिन उनमें लिखा रहता है कि विज्ञापन। तो एक प्रकार से ये नेटिव एडवर्टाइजिंग है कि जब इसमें आप सीधे ना करके अप्रत्यक्ष तरीके से, और कई बार वो ऐसा लगता है कि वो जो प्लेटफॉर्म है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो उसके इंटरफेस के साथ मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो उस इंटरफेस का जो भी इंटरफेस आप देख रहे हैं कि उस इंटरफेस का एक पार्ट है, मगर वो पार्ट नहीं होता। वो या तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होता है या कोई प्रोमोटेड स्टोरीज आर्टिकल्स होता है, और कई बार वो इंफोग्राफिक्स के रूप में भी आपको नेटिव एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। कोई कोई ग्राफिक्स दिखाते हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, कोई इंफोग्राफिक्स जिसमें कुछ ग्राफिक्स होते हैं उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, कुछ बात बताते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दरअसल वो एक तरह का नेटिव एडवर्टाइजमेंट होता है। तो नेटिव एडवर्टाइजमेंट के तरह तीन तरीके के हो गए, स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो गए, प्रोमोटेड आर्टिकल्स हो गए, स्टोरीज हो गई, और इन्फोग्राफिक्स हो गए। तो ये जो नेटिव एडवर्टाइजिंग है ये भी एक बहुत ही प्रचलित नया माध्यम है, नया ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं कि एम्बिएंट मीडिया की, एम्बिएंट मीडियम विज्ञापन के लिए परिवेशी मीडिया। ये बहुत ही क्रिएटिव है। परिवेशी का मतलब वातावरण हो गया, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे घर के बाहर का वातावरण, मॉल के अंदर का वातावरण, कहीं भी एनवायरमेंटल जो प्रेजेंटेशन है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से और अप्रत्याशित जगहों पर, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, ये जगह है यहीं पर एडवर्टीजमेंट होंगे। कंपनीज के जो प्लानर्स हैं, जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो क्रिएटिव प्लानर्स हैं, वो लोग कहीं भी उसको प्लान कर सकते हैं। मॉल के अंदर आप जा रहे हैं, आप सीढ़ियों पर जा रहे हैं या कहीं रेलिंग्स पे जा रहे हैं, कहीं भी वो आपको प्रेजेंटेशन कर देंगे, उसको क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंटेशन कर देंगे। कई बार आपने देखा होगा स्काई के अंदर बहुत बैलून्स दिखाई देते हैं आपको, आप स्काई में देखते हैं तो आपको वो विज्ञापन दिखाई देते हैं। तो बड़ा क्रिएटिव तरीका है नेटिव एडवर्टाइजिंग, ये सॉरी एम्बिएंट मीडिया जो है, वातावरण के अंदर जो भी हम विज्ञापन देते हैं क्रिएटिव तरीके से, ये भी अप्रत्याशित रूप से। आप पार्क में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं और कहीं जगह जा रहे हैं, तो ये कहीं भी ऐसा नहीं, कोई फिक्स्ड नहीं है कि यहीं पे हम उसको एडवर्टाइजिंग करेंगे। ये किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में आपको आ सकते हैं, बड़े सरप्राइजिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एक बात और खास बात कि इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत होती है, क्रिएटिव नॉन एडिंग होती है, कुछ थ्री डायमेंशनल प्रेजेंटेशन भी इसके अंदर काफी अच्छा होता है, क्योंकि एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से 3D प्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये आपको कई जगह दिख जाते हैं आपको, कोई ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, बिल्कुल नया तरीका है, क्रिएटिव तरीका है, एम्बिएंट तरीका है। पार्क्स में देख लीजिए, मॉल्स में देख लीजिए, स्टेडियम के आगे पीछे देख लीजिए, कई बार कई जगहों पर आपको दिख जाता है जहां पे बाहरी वातावरण है। तो इस प्रकार से ये कुछ लेटेस्ट मीडिया ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया है, नेटिव एडवर्टाइजिंग है, एम्बिएंट है, जो हमको नए कुछ ऐसे माध्यम देता है। पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रचलन में आए हैं, और इन माध्यमों को के द्वारा हम इन द्वारा माध्यमों के द्वारा भी हम संभावित उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, और बड़ा उनको इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजिंग बड़ा एक शब्द यूज करता है इंटरेस्ट। अगर संभावित उपभोक्ताओं में, हमारे उपभोक्ताओं में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो प्रोडक्ट की तरफ भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत क्रिएटिव तरीके से हम लोगों तक पहुंचते हैं, और इनके लिए हम जिन लेटेस्ट मीडिया ट्रेंड्स को यूज करते हैं उनमें से कुछ ये मीडिया है जिसके द्वारा हमारा विज्ञापन सफल होता है और लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचता है। धन्यवाद।